अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सभी को शुभकामनाएं। आज हम सब लोग 74th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कोरोना के संक्रमण में यह स्वतंत्रता दिवस एक विशेष प्रावधानों के साथ मनाया जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ। आज आज इस नई व्यवस्था में हम सब लोगों को ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं एक विशेष परिस्थिति के साथ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि यह स्वतंत्रता, ये आज़ादी हमको हमारे लाखों वीर योद्धाओं ने, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके कारण आज हम सब लोग आज़ाद भारत में समाज का विकास, देश के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। आज के दिन महात्मा गांधी जी को याद करना, वीर सावरकर को याद करना, सुभाष चंद्र बोस को याद करना, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करना, भगत सिंह को याद करना, यह हमारी जिम्मेवारी भी है। और लाखों योद्धाओं ने, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आज़ादी के लिए लगाया, उनके प्रति हम सब लोग नमन होते हैं। आज लाल किले के प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश हम सबको दिया है, इस कोरोना के संक्रमण में भी जिस तरीके से 130 करोड़ का देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और तमाम बाधाओं को पार करता हुआ विकास की कहानी को आगे बढ़ा रहा है, यह हम सबको प्रेरणा देने वाला है। हम यह भी जानते हैं कि यह 130 करोड़ का देश इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए तत्पर है। आत्मनिर्भर भारत के संदेश को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो उद्यम का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो हमारे गरीब पटरी वालों को मुख्य धारा में शामिल करने का विषय हो, और फिर चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत की जड़ों को जोड़ते हुए दुनिया की नज़र में किस तरीके से हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के साथ अपने आप को आत्मसात कर सकते हैं, इसका भी हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। आज के दिन हम सब लोगों के लिए जहां खुशी मनाने का अवसर है, वहीं आगे के लिए संकल्प लेने का भी अवसर है कि हम आने वाले 2 सालों में आत्मनिर्भर भारत को साकार करेंगे, आपदा को अवसर में बदलेंगे, और इसके साथ साथ ये जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम साकार करेंगे जब हम 75वीं साल इस देश की आज़ादी को बनाएंगे। आज के दिन पुनः मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, अपने करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्त
जो देश में के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं उनको नई ऊर्जा मिले, नई स्फूर्ति मिले और वो नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ देश की सेवा में जुटे और बताए हुए प्रधानमंत्री जी के रास्ते पर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े, यही मेरा आप सबसे निवेदन भी है और यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आपका श्रीलंका का दौरा कैसा रहा?